लगता है आम आदमी पार्टी ने योगी सरकार की कमजोर नस को पकड़ लिया है। उत्तर प्रदेश से शुरू हुए पॉलिटिकल किस्से उत्तराखंड तक पहुंच गए और अब तक के सभी मिले चैलेंज में आम आदमी पार्टी 20 प्रति नजर आ रही है। चाहे मामला यूपी की सरकार का हो या फिर उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार का। शिक्षा मॉडल पर चर्चा भाजपा सरकारों के गले की फांस बनता जा रहा है। इस दौरान यूपी के कई खंडहर नुमा स्कूलों के दर्शन देश की जनता को हुए और लोग सोचने पर विवश हो गए कि क्या इन्हीं स्कूलों में देश के भविष्य पलते हैं। जबकि दिल्ली वाले मनीष सिसोदिया ताल ठोक कर सबको केजरीवाल मॉडल का दर्शन कराने के लिए बार बार दिल्ली आने का न्योता देते फिर रहे हैं। यूपी में मौका पंचायत चुनाव का है, जिसमें आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। साथ उत्तर प्रदेश की जनता को ये बताने में कुछ हद तक कामयाब भी हो गए हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में अलग तरह की चर्चा होगी, जिसमें स्वास्थ्य शिक्षा इत्यादि विषय भी इस बार चर्चा के केंद्र में गंभीरता के साथ रहेंगे, न कि खाना पूर्ति करने के लिए। बहरहाल हम बात कर रहे हैं पंचायत चुनाव को लेकर। आम आदमी पार्टी के मेहरौली के विधायक नरेश यादव ने आजमगढ़ जिले में डेरा डाला है। आज नरेश पहुंच गए आजमगढ़ जिले के छतवारा स्थित एक सरकारी विद्यालय पर, जिसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। ये हाल है उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों का। विधायक नरेश यादव शिक्षा क्षेत्र पलनी के अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय गिरधरपुर पहुंचे, जहां स्कूलों की दशा देखकर सरकारी स्कूलों के द्वारा प्रदत्त शिक्षा व्यवस्था के बारे में सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि बच्चों को पास के ही बने पंचायत भवन में पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के लोगों को बैठे बिठाए एक मुद्दा हर जगह मिल जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूलों की ये मूंछ उड़ाती तस्वीरों की जिम्मेदार सिर्फ योगी सरकार है, जवाबदेही पूर्ववर्ती सरकारों की भी बनती है, जिन्होंने ये सारी चीजें योगी सरकार को विरासत में सौंपी है। लेकिन मौजूदा समय में सत्ता में आसीन होने के नाते योगी सरकार की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। देखिए, मैं दिल्ली से मेहरौली से विधायक हूँ नरेश यादव। आज मैं आजमगढ़ के दौरे पे आया हूँ और पीछे यूपी के मिनिस्टर ने हमारे शिक्षा मंत्री हमारे अरविंद केजरीवाल जी के शिक्षा मॉडल को चैलेंज किया था। उसी के तर्ज पे आज यूपी के अंदर हम लोग जाकर स्कूलों को देख रहे हैं, क्या योगी सरकार ने पिछले सालों में कुछ शिक्षा में बदलाव किया है कि नहीं। क्या बदलाव किया है आप देख सकते हो, पलनी का ये स्कूल किस तरह से खंडर अवस्था में है, पूरा छत टूटी हुई है, यहाँ बच्चे किस तरह से पढ़ते होंगे और ग्राउंड का क्या हाल है। हम लोग यूपी के सभी लोगों से ये अपील करने आए हैं कि दिल्ली का शिक्षा व्यवस्था, दिल्ली के स्कूल बिल्कुल बदल चुके हैं और यहाँ यूपी में भी दिल्ली की तरह आम आदमी पार्टी की जरूरत है, ताकि यूपी के बच्चे भी दिल्ली की तरह से यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करें और यहाँ के स्कूलों में बदलाव आए। जिस तरह से योगी सरकार अपनी डींगे हाँकती है, जिस तरह से वो दावा करती है हर क्षेत्र में, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि क्या हाल है। ये आके अभी हमने शिक्षा का हाल दिखाया है, इसके बाद में हम लोग दूसरी चीज़ों पर भी आएंगे, चाहे वो स्वास्थ्य का हो। आपके हॉस्पिटल्स हैं जो दिल्ली में, आज शिक्षा और स्वास्थ्य एक पूरे देश के लिए मॉडल बन चुका है। इसके अलावा बिजली, पानी और दूसरी डेवलपमेंट भी दिल्ली में बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं। तभी हमारी जो लगातार 3 बार सरकार अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में बनी है। तो मैं यूपी के लोगों से अपील करूंगा कि आने वाले जिला पंचायत चुनाव में और जितने भी यूपी के चुनाव होते हैं विधानसभा के, आम आदमी पार्टी को लेके आए, जिससे कि दिल्ली का अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल यूपी में भी हम लोग कर सके और यहाँ भी शिक्षा में क्रांति कर सके। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।